स्टूडेंट्स uh, आपके पास पाइथन की uh, बहुत सारी आई है और बहुत सारे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन uh, है उसमें से सबसे फेमस और बेहतरीन रिजल्ट के साथ और बहुत सारे फीचर्स के साथ जो है नो एनाकोंडा है एनाकोंडा की हम जीपीटर नोटबुक पे जाते हैं हमने ये जीप्टर ऑन किया जी जैसे ही ऑन होगा कमांड फ्राम के अंदर इसका सर्वर रन हो जाएगा पीछे ब्राउज़र जो आपके पास एक्टिव होगा उस ब्राउज़र पे उसने आ, अपनी डैशबोर्ड के तौर पर जो है कुछ विंडो लेके आ जाएगा आ, ये विंडो के अंदर आप जितनी भी फाइल इसकी इस सर्वर के साथ बनाते रहेंगे तो ये आपकी इस लोकेशन के ऊपर सेव करता रहेगा ठीक है मैं एक नई जुपिटर फाइल खोलता हूँ न्यू में जाता हूँ और पाइथन के अंदर मैंने को क्लिक किया एक नई टैब ब्राउज़र पे खुला जिसके अंदर देखिएगा जो इन्वायरमेंट आपके पास आ रहा है इस एनवायरनमेंट में कुछ ये सेल है इसको शेल कहते हैं ये आपका इसमें आप जो है इंडिपेंडेंट कोड को इसमें टाइप करें उसका आउटपुट देखें मैं यहाँ पर एक ची प्रिंट की टाइप लिखता हूँ जिसमें मैं हेलो पाइथन इसको मैदान करता हूँ तो देखिएगा ये मेरे पास एक ऐसा नोटबुक है जिसमें मैं अपने नोटबुक यानी नोट लेक्चर के साथ साथ कमेंट्स के साथ जो हम डॉक्स में जिस तरह वर्ड फाइल के अंदर काम करते हैं प्योरली इसके अंदर भी आप क्या करेंगे वर्ड फाइल पे काम कर सकते हैं अपने नोट्स बना सकते हैं और जो जो इसके डेफिनीशन हैं जो एग्जाम्पल्स हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं साथ साथ इसका कोड भी लिख कर इसका रन करके इसका आउटपुट भी सेव कर सकते हैं ये इसकी ज़्यादा बेनिफिट है जिप्यूटर का तो अब ये जिप्टर फाइल जिसकी एक्सटेंशन आपको यहाँ पर आएगी नज़र जे पी वाई एन बी जिपीटर नोटबुक के नाम से होती है अब ये जिप्टर नोटबुक की जो फाइल है इसको हम पी में कन्वर्ट कैसे करें तो उसमें बहुत डिफरेंट मेथड्स हैं इसकी अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में कभी ये मसला आता है तो उस मसले पे अभी हम नहीं चाहते हैं कि जब पी फाइल में जाके डाउनलोड एज में जाकर पी में जब क्लिक करते हैं तो सर्वर्स के इश्यूज आते हैं और जब ये इशू आ जाए तो इसमें इसको हम इग्नोर करके किसी और मेथड से हम इसके पीडीएफ को यानी किस तरह से हम अपनी फाइल को पीडीएफ में सेव करें एक तरीक़ा तो ये है कि हम इसकी एस बना लें ठीक है एच बनाने के बाद जो एच कन्वर्टर है जिसके अंदर एस दी जाए तो उसको पी में कन्वर्ट करता है वो मैथड देखेंगे और फिर एक दूसरा मेथड देखेंगे जिसके अंदर हम इस जिपिटर को यानी जे पी वाई यानी जिपिटर नोटबुक की फ़ाइल को हम डायरेक्टली लिंक में डालेंगे और उससे पी डी एफ जनरेट करवाएंगे ठीक है डाउनलोड एस में गए और इसकी हमने एस एम एल फाइल ओके इससे पहले हम इस फाइल का कोई नाम रख लेते हैं इस पे अनटाइटल टू पे आपने नाम रख लिया पाइथन फर्स्ट कोड ठीक है यह आपने नाम रखा इस फाइल का नाम ये अच्छा इसमें ये ख़ूबी है कि जैसे जैसे आप काम करते रहेंगे ये उसको ऑटो सेव करते रहेगा देखिएगा ऑटो सेव का ऑप्शन यहाँ होता है तो इसमें नहीं कि आपको बहुत सेव करने की ज़रूरत है तो यह बहुत इसके लिए एक अच्छी चीज़ है जिसको रैपल कहते हैं ठीक है थीके? रैपल की एक टेक्नोजी इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर हाउस में इस्तेमाल की जाती है कि इसको आप क्या करें इसको ये सेल को एक सेल को रीड करेगा अब ये पू मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा इस ये एग्जीक्यूट जो होगा वन टू थ्री ये एग्जीक्यूट होगा सिर्फ ये वाला शेल होगा ये वाला शेल डिस्टर्ब नहीं होगा ये दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं होगा ये जब रन हो गया इसी तरह मैं अगर वेरिएबल की वैल्यू सेव कर देता हूँ तो इसके बाद वाली चीज़ को खुद ब खुद जो उसको आप कॉल कर सकते हैं तो इसकी भी एक इंशाल्लाह मैं बनाता हूँ और बताता हूँ कि ये किस तरह की किन, आपको क्लास में मैंने काफ़ी चीज़ें कवरअप कर ली हैं अच्छा यहाँ पर ये जिप्यूटर की नोटबुक को हम कह रहे हैं कि ये ऑटो सेफ हो जाता है ठीक है अनसेफ तो ये बात तीन मिनट को के बाद ये सेव कर लेगा ओके अब हम ये कहते हैं कि इसकी फाइल को कन्वर्ट करने के लिए हम इस एस टी एम एल जनरेट करते हैं एस टी एम एल हमने यहाँ पर जनरेट की और एस टी एम एल देखिए सेफ हो गई यहाँ पर ठीक है और एस टी एम एल इस नाम से सेव अब इस ये जो अ, मेरे पास डाउनलोड के फोल्डर में हुई होगी तो मैं इस डाउनलोड फाइल को ये वाला हमारे पास लिंक है मैं लिंक शेयर कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में इस फाइल इस लिंक पे जाकर आप एस अपलोड करेंगे ये मैं इस वजह से आपको तरीक़ा बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो है हम एस की फाइल मिलती है उसे पी डी एफ कन्वर्टर कन्वर्ट करने के लिए हमें परेशानी होती है तो वो चीज़ मैंने इसके साथ इन्वर्ट कर दी अब वो एस बना दी एस के साथ हमने फर्स्ट पैथन कोड को यहाँ पर अपलोड किया और यहाँ पर कन्वर्ट किया कन्वर्ट करने के बाद ये मैसेज देगा एक पॉपअप विंडो के अंदर योर टास्क इज प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग करने के बाद ये कन्वर्ट करेगा फाइल को और कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर नीचे व्यू भी करवा देगा कि आपने ये चीज़ देखिएगा ये सेल है इसका ये और हमने बस ठीक है ये चीज़ यहाँ पर इसने पी में कन्वर्ट कर दी ओके अब आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर दें और पी डी जनरेट हो जाएगा इसका सेकेंड मैथड ये है कि आपने ये जो फाइल पाइथन फर्स्ट कोड की ये फाइल आपने सेव की है ये फाइल यहाँ पर सेव हुई है ठीक है इस लिस्ट के अंदर पाइथन फर्स्ट कोड के नाम से ठीक है पाइथन फर्स्ट कोड के नाम से यहाँ पे सेव हुई आपकी अपनी ड्राइव के अंदर ये आपके यूज़र पे सेव होगी जैसे मेरा यहाँ पर सी है और यूज़र्स हैं और मेरा जो एक्टिव यूज़र है वो एम है इसके अंदर मैंने देखा तो यहाँ पर आ, ये देखिए पाइथन फर्स्ट कोड के नाम से ठीक है इसने यहाँ सेव की इस लोकेशन पे जाकर अब मैं ये वाला लिंक खोलूँगा ये लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ ये डायरेक्ट जिपीटर फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा चूज फाइल किए मैंने और डाउनलोड में ठीक है डाउनलोड में नहीं है सॉरी सी में यूज़र में एएमएफ में और फिर हम नीचे जाते हैं इसका ये कोड इसको हम कह रहे हैं ये वाला फर्स्ट फाइट को ओपन किया हमने अब ये यहाँ पर लोड हुआ इसके बाद व्यू एंड कन्वर्ट में क्लिक किया हमने ये थोड़ा फास्ट तरीका है इसने यहाँ देखिए कन्वर्टेड के अंदर इसने एस भी बना दी उस एस टी एम एल बनाइए ये देखें आप टूल टिप के अंदर डॉट एस टी एम एल आ रहा है इसमें न्यू का एस टी एम एल आ रहा है न्यू विंडो पे खोलेगा प्रिंट है और ये सेव टू ड्राइव ड्राइव गूगल ड्राइव में जाके सेव करेगा कई ऑप्शन आ रहे हैं और ये पी डी एफ में सेव करेगा ठीक है ये न्यू पी डी एफ़ का मतलब है कि न्यू ब्राउज़र के अंदर व्यू दिस फाइल द न्यू विंडो सेव टू ड्राइव ये पी डी एफ ये तीन ऑप्शन एस टी एम एल के हैं और ये तीन ऑप्शन किसके हैं आपके पी के हैं तो आपने डायरेक्टली जे पी वाई एन बी फाइल से डायरेक्ट आपने क्या किया पी डी में जनरेट किया इस पी में क्लिक करेंगे तो यहीं पर ये मैंने कहा कि यहीं विंडो कराएं तो ये देखिएगा इसने यहाँ पर आपकी जीपीटीर फाइल खोल दी आपने उसको अपलोड डाउनलोड करना है और फिर उसको आप यूज़ कर लें इसी पैटर्न पे जाकर आप अपनी असाइनमेंट एक्टिविटी को क्या करेंगे सबमिट करवाएंगे ओके ठीक है अल्लाह हाफ़